जोरदार तालियों की गूंज के साथ मंच पर विराजमान म्यूजिशियंस, हमारा वाइब्रेंट कोरस ग्रुप विंग में आपके लिए बिल्कुल तैनात हमारे सारे गायक गायिकाएं, इन सब का मैं सिद्धार्थ एंटरटेनर्स की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपको देखकर हमेशा बहुत बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, फिल्मों की अजीब और गरीब दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा जवान बनी रहती है, उसका एक बहुत ज़रूरी और अहम पहलू है उसका संगीत, जिसमें हम पूरी तरह डूब चुके हैं। गुजरे दौर के सुनहरी संगीत के जादूगर द्वई, जिन्होंने अपनी करीब करीब हर सोच को, हर तर्ज को दिलकश मौसीकी का सामान बना दिया। ऐसी हिंदी फिल्म संगीत की मशहूर और मारूफ जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बचपन के जिगरी दोस्त, सुख दुख गरीबी और ऊंचे सपनों के साथी, दिल से म्यूजिशियंस और अटूट संगीतकार जोड़ी। लक्ष्मी प्यारे जोड़ी यानी कि वायलिन और मैंडोलिन की दिलकश संगत और उस संगत की एक दिलकश कहानी। हर साज की आवाज़ और हर ताल वाद्य में छिपे लय, इनके नर्तन का आनंद आज के इस प्रोग्राम में हम उठाने जा रहे हैं। जैसे हमारे हाथ में कैलिडोस्कोप है और हर गीत का एक नया रंग, हर गीत का एक नया ढंग उस कैलिडोस्कोप के जरिए देखने की हम कोशिश करेंगे। आइए, पेशे खिदमत है स्ट्रिंग्स ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर। यूं कह सकते हैं कि मैंने सोचा कि धीमे धीमे शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो पहले ही ओवर में पहले ही बॉल पे सिक्स मारा गया। अब आगे ऐसे ही होता रहेगा, बस आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। तहे दिल से स्वागत करती हूँ मिसेस श्रीमती लक्ष्मीकांत जी, आई यहाँ आई हैं, उनकी बेटी यहाँ आई है। हर समय जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शो होता है तो आपकी यहाँ की उपस्थिति हमें हमारा हौसला बढ़ाती है, तो आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ यहाँ प्रोग्राम में और आशा करती हूँ कि यहाँ प्रस्तुत सभी गाने आपको बहुत पसंद आएंगे। खैर, मैं आगे बढ़ती हूँ। आज के इस प्रोग्राम का संगीत संयोजन अनुपम घटक और मोहित शास्त्री। हमारे 40 वादक कलाकार जो एक मजे हुए खिलाड़ी है, उनके लिए तालियों की एक जोरदार गूंज हो। और यहाँ सिद्धार्थ एंटरटेनर्स की ओर से मैं एक नाजुक सी बात बताना चाहती हूँ कि हम कोई हमारे प्रोग्राम में टॉल क्लेम नहीं करते। अगर हमने कहा है हमारे एडवर्टाइजमेंट में कि यहाँ 40 म्यूजिशियंस रहेंगे तो वो 42 रहेंगे, लेकिन 35 नहीं रहेंगे, ये हमारा वादा रहता है। तो ये भी शायद आपसे कभी खुद होकर बोलने की थोड़ी सी घड़ी आ गई थी, इसलिए मैंने कह दिया। आइए, आज के इस प्रोग्राम में दो कलाकारों का खास योगदान रहेगा, उसमें एक है प्रदीप तो सेनगुप्ता। मैंडोलिन और प्रदीप तो सेनगुप्ता सिनोनिमस वर्ड्स हैं, तो आज उनके मैंडोलिन का आनंद आप लेंगे। और दूसरे हमारे सचिन जांभेकर जी। सचिन जी, आप सिद्धार्थ एंटरटेनर्स की स्टेज पर पहली बार पधार रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और उनके सामने जो हारमोनियम है ये आशा भोसले जी ने उन्हें प्रदान की है। आशा जी के अनगिनत शोज कर चुके हैं वो। और इस हारमोनियम की सबसे बड़ी खासियत जो मैं अभी आपसे कहना चाहती हूँ कि ये पंचमदा के हारमोनियम है। तो न जाने जब से मैं इस हारमोनियम की ओर देख रही हूँ, मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार है कि इसी हारमोनियम को लेकर पंचमदा ने न जाने कितनी तर्जे बनाई होंगी। तो दिस इज़ लाइक एक मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे छूने को मन करता है, इस तरीके से हारमोनियम। यू आर वेरी लकी पर्सन कि ये आपको मिल गई। अगले जन्म में मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे ही कुछ मुझे भी मिले। खैर, आज की महफिल जिन सुरीली आवाज़ों की बदौलत रंग लाएगी, आइए उनका भी जिक्र करते हैं। मुख्तार शाह, शैलजा सुब्रमण्यम, आलोक काटदरे, सर्वेश मिश्रा, गुल सक्सेना। तालियों की एक जोरदार गूंज उनके लिए भी। यू आर सो स्वीट। बस अब आगे पहले गीत की ओर आपको लिए चलती हूँ। दोस्तों, ये गीत हम सब बहुत पसंद करते हैं, करीब करीब रोज़ सुनना चाहते हैं। वैसे थी तो वो रोमांटिक गज़ल जब आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा था, लेकिन फिल्म की ज़रूरत ऐसी थी कि उसका एक दिलकश वेस्टर्नाइज डिस्को गीत बन गया और ये गीत सुनने वालों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। 1970 की फिल्म थी ना कर्ज, तो उसी का ये गीत है, रफ़ी साहब का गाया। जब वो अपने लीनियर पड़ाव पे थे तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनसे ये तर्ज गवाई और देखिए क्या कमाल हो गया कि आज तक इस गीत को हम भूल नहीं पाते। तालियों की गूंज के साथ सर्वेश जी, आप मंच पर पधारिए इस गीत को सबके सामने पेश करने के लिए। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं
एक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी, ये गजल मेरी नहीं ये गजल है आपकी, मैंने तो वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर स्टार्ट। दोस्तों, आंखों और कानों को कमाल का सुकून देने वाला अगला गीत अनपैरेलल आरंभ, दैट इज प्रेल्यूड म्यूजिक, जिसके लिए लक्ष्मी प्यारे जोड़ी हमेशा कुछ न कुछ हर गीत में अलग ही लेकर आती है। अब इस धुन का एक खास आकर्षण है प्रचुर मात्रा में सुनाई देने वाला पंछियों का चहकना, कोयल की कुहूक, जो इस धुन को अधिक मधुर और अधिक जिंदा दिल बना देती है।
जंगल में दौड़ते सांभर, वैसे आपको याद आता होगा कि जंगल में दौड़ते सांभर, हिरन, उड़ते पंछी, हरी भरी पर्वतराजी, बहते झरने, और फिर आती है लता जी की वो तान, मैंडोलिन, वॉयलिन, सितार, तबले की उठान, इस गीत की असली सुंदरता है। आइए सुनते हैं 1967 की फिल्म शागिर्द, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल, लता मंगेशकर जी की आवाज़। आपके सामने शैलजा। हारमोनियम प्लीज। Thank you.
फिल्म पारसमणि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी का वो पहला ठोस कदम था। आगे सुनिए ना थोड़ा सा। लक्ष्मी प्यारे जोड़ी हर तरह से तैयार जोड़ी थी जब पारसमणि फिल्म बन रही थी, और पर्दे के लिए फिल्म आया जाने वाला हर गीत हर रंगों में रंगाने की उनकी क्षमता थी। और पारसमणि को ही देखिए ना, नृत्य प्रधान लय प्रधान गीतों में एक अजीब सा निरालापन है, और उसमें भी मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जैसा गाना देने का एक करेज इस जोड़ी में था, ये कहने की बात थी। पारसमणि के बाद मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, फर्ज, शागिर, दोस्ती, आए दिन बहार के जैसी फिल्में और उनका संगीत हमें दीवाना बनाता चला गया। आइए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, जोड़ी ने कई बार अपने साक्षात्कार में ये कहा है कि किशोर दा ने हमारे गीतों में एक अलग ही आवाज़ लगाई है, और ये जो गीत अब आपके सामने पेश होगा उसी बात का प्रमाण है। दुखी तड़पती आत्मा की पुकार है, और वो दर्शाने वाला बहुत ही प्रभावी गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आनंद बख्शी साहब के बोल, 1964 की ये फिल्म थी। राग भैरवी पर आधारित ये गीत आपके सामने पेश करने के लिए आलोक जी, तालियों की गूंज के साथ अर्थात। शमा तेरा परवा
से अब तक तुझे नफरत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम लिख लेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से उठ सक होगी। मेरे बहुत सुंदर। अगला गीत राग यमन कल्याण में निबद्ध और 1968 के बिना का गीतमाला प्रोग्राम का अग्रमानांकित सरताज गीत। खैर, तान और शहनाई के सुरों से शुरू होने वाला ये गीत एक स्टेज सॉन्ग भी है, जैसा आप जानते हैं सभी, और हनीमून जाते समय आनंद और प्यार उल्लास का गीत भी है। जन्म जन्म के अमर प्यार की गाथा, फिल्म मिलन, 1967 की फिल्म। बस मुख्तार शाह जी वहाँ खड़े हैं, गुल है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तान शहनाई जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन साथ ही संतूर, स्वागत स्वागत। बस चूंकि प्रोग्राम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है, मैंने आपकी उत्सुकता मैं स्ट्रेच नहीं करना चाहती थी, इसके लिए बुलाया। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि संतूर, क्लैरियोनेट, ढोलक, इंग्लिश फ्लूट और पियानो जैसे साज कैसे बजते हैं, सुनिए। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। देखिए, मुकेश और लता जी के इस दो गाने के बाद किशोरदा और लता जी का गाया दो गाना आपके सामने पेश होगा। खैर, बर्फीला हिमालय कश्मीर का लोकेशन मेरे ख्याल से वो परी महल का लोकेशन है। राजेश खन्ना और मौसमी चटर्जी पर फिल्म आया गया, रूमानी गीत अब आपके सामने पेश होगा। वैसे ये फिल्म रामानंद सागर निर्देशित फिल्म थी और ये मानी जाती है राजेश खन्ना जी की कमबैक फिल्म। 1979 की प्रेम बंधन फिल्म का मैं जिक्र कर रही हूँ। फिर से एक बार, ये लगातार तीसरा आनंद बख्शी साहब का गाना रहेगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनकी ढलती जनप्रियता को कुछ या बहुत हद तक इस फिल्म ने संवारा है। और ये लव ट्रायंगल वाला गीत है, लेकिन इस लव ट्रायंगल में थोड़ा सा एक खिंच है कि वो थोड़े से स्मृति भ्रंश के शिकार दिखाए गए हैं। तो आपको अब प्लॉट भी याद आया होगा। मैं इस बहुत बढ़िया गीत को आपके सामने पेश करने के लिए फिर से एक बार तालियों की गूंज के साथ शैलजा और आलोक जी को मैं आमंत्रित करती Oh,
जब तू छुप जाती है इन फूलों की कलियों में, जब जब तू छुप जाती है दोस्तों। एक ज़माना ऐसा था कि हमारे कई पसंदीदा गीतों में आवाज़ रफ़ी साहब की जो हमारे कानों में गूंजती थी और पर्दे पर छवि रहती थी राजेंद्र कुमार जी की, दोनों ने मिलकर एक नाजुक सॉफ्ट मुलायम रोमांस की परिभाषा सिल्वर स्क्रीन के लिए लिखी। अगला गीत उसी श्रेणी में जाता है, 1972 की फिल्म गोरा और काला। फिर से एक बार आनंद बख्शी साहब के बोल। रफ़ी साहब का हमिंग, उसके बाद साथ ही झमझम करने वाले वो गिटार शुरू हो जाते हैं, फिर ताल वाद्य की खनक सुनाई देती है, वॉयलिंस के रन्स और संतूर के साथ गीत ऐसे आगे बढ़ता है। आइए सुनते हैं, और उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सर्वेश जी को। एक ना एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा रानी, तू मेरे दीवाने बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ओ एक ना एक दिन ये
किरानी बनेगी। सभी साज इतने बढ़िया ढंग से बज रहे थे कि क्या बताऊं, मैं उस काबिल नहीं समझती खुद को कि कुछ कमेंट करूं, लेकिन पूछने को मन करता है कि आपकी हारमोनियम को कौन सा विटामिन खिलाया जाता है, क्योंकि इस तरीके से इस फुर्ती से बज रही थी वो हारमोनियम। व्हाट अ टोनल क्वालिटी, माय गुडनेस, इट वाज सच अ प्लेजर लिसनिंग टू दैट हारमोनियम। माय, आइए एक मिलेनियम गाना सुनाते हैं आपको। आउट एंड आउट वायलिन सॉन्ग कहा जाता है, लेकिन उसमें पियानो गिटार जैसे साजों का आनंद भी बहुत मिलता है। खैर, राग बिलावल या दाक्षिणात्य राग शंकराभरणम जैसे रागों पर या उनकी ज़मीन पर आधारित ये तर्ज है। समंदर की लहरें हैं, सोलो वायलिंस है, लता जी की हमिंग है, फिर प्यारा सा कोरस है, फिर चर्च बेल्स हैं, सब मिलाकर लता जी और मुकेश जी का गाया वो श्रेष्ठ गीत बनता है जो यादें और आशाओं की लहरों पर हमें झुलाने लगता है। बहुत बड़ा योगदान लक्ष्मी प्यारे जी के संगीत के साथ गीतकार संतोष आनंद जी का भी है। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले की आवाज़ उठा लाओ। आज हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है कि न चाहते हुए भी बिल्कुल हमारा दम घुट जाता है, तो ऐसे में संतोष आनंद जैसे गीतकार के शब्द याद आते हैं, ये गाना याद आता है। खैर, मैं इस गीत को आपके सामने पेश करने के लिए मुख्तार साहब और गुल जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। 1972 की फिल्म थी शोर, और गाना तो वैसे आपने पहचान ही लिया है।
और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं कि जो वो निर्णय लेने के हक में नहीं है, हाँ, और मैं इर्द गिर्द कुछ देख नहीं पा रही हूँ, तो इसके लिए आप मुझे तो ज़रूर माफ़ करेंगे। और मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि एक जगह रुकना बिल्कुल सही नहीं है, हम रंग अलग अलग देखना चाहते हैं। और यहाँ मिसेस लक्ष्मीकांत जी बैठी हैं, तो उनके सामने मैं ज़्यादा से ज़्यादा गीत पेश करना चाहती हूँ जो वो सुनना पसंद करेंगे, आप मुझे माफ़ करेंगे। दोस्तों आगे चलती हूँ। 80 के दशक में फिल्म एक दूजे के लिए इस फिल्म के संगीत ने तहलका मचा, बता दिया था ना मैंने, मेरी भी कुछ सुना करिए। खैर, दो अलग बोलियाँ बोलने वाले दक्षिणोत्तर प्रांत वाले एक दूसरे के प्यार में पागल वासु और सपना, उनके जिंदा दिल प्यार की कहानी लक्ष्मी प्यारे जी की तर्जें और आनंद बख्शी साहब के बोलों की बदौलत अजरामर हो गई। शिव रंजनी के स्वर है इस गीत में, आप जानते हैं लता जी के 80 के दशक की आवाज़ की ओजस्विता। गीत है तेरे मेरे बीच में। इस गीत में अनजाना इस शब्द की तान इस कदर आसमान को छू जाती है कि शब्दों से परे अनुभव देती है। वह स्वर हम कह सकते हैं कि तार गंधार का है, साफ, आकारयुक्त, गोल, उसे और कोई साज छू ही नहीं सकता, और वो ऐसे अपने आप नीचे उतर आती है तो तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, जैसे धरती पर अब बहने लगी है। कुछ क्षण ढोलक जैसे साज भी बैक सीट ले लेते हैं, आप गौर कीजिएगा, और फिर नए सिरे से कैची पिकअप के साथ फिर शुरू हो जाता है रिदम। अब उसमें कितनी सारी बारीकियां हैं जिसके बारे में मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि दो लहरों के बीच, दो चट्टानों के बीच लहरों का नर्तन है। वहाँ देखिए लक्ष्मी प्यारे जोड़ी ने हरी जी की बांसुरी का इस्तेमाल किया है। तो ये है उस गीत की अहमियत और ऐसी बहुत सारी बातें। अब बीच में गीत में जब लता जी की शुद्ध कोमल गंधार के स्वर लगते हैं तो बांसुरी भी शुद्ध कोमल गंधार के स्वर में बजने लगती है, और ऐसे लगता है कि जैसे लता जी का सुर और बांसुरी, इसकी जुगलबंदी चलती है। तो इस गीत की कोई तुलना ही नहीं कर सकते। मैं शैलजा जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ ये गीत आपको सुनाने के।
कभी कभी गाना कभी ख़त्म होता है वो समझ में नहीं आता, ऐसी भी बात होती है। वैसे पहले गीत से ही मैं जीतू ठाकुर और उनका जो ग्रुप है उसके बारे में बोलना चाहती थी। स्ट्रिंग्स ऐसे बज रहे हैं, बस बोल नहीं है इसके लिए ऐसे कर रही हूँ। सत्येंद्र शरद जी की स्वयं बेर उपन्यास पर आधारित फिल्म थी मंचली। वैसे इसी संकल्पना पर काफ़ी सारी फिल्में हैं जो हम देख चुके हैं, टेमिंग ऑफ द श्रू, ये भी नौकर बीबी का, कई सारे इसी थीम पर आधारित है। अब ये जो गाना है ये फिल्म मंचली का है और पूरी तरीके से शरारती, फुल ऑफ एफोवेसेंस, जिसे हम टपोरी भी कह सकते हैं। वैसे गिटार, वॉयलिन, इलेक्ट्रिक गिटार, सैक्सोफोन जैसे साज किस तरीके से बजे हैं, और ये गीत जितनी बार मैं सुनती हूँ तो ऐसे लगता है कि उसमें जो एक एक शब्द रिपीट किया गया है, जैसे देख देख देख, तो किसी को चिढ़ाने के लिए हम ऐसे करते हैं कि वी रिपीट द वर्ड्स। इस तरीके से उन्होंने वो जानबूझ के अपनी तर्ज में कैसे लाया है, देखिए, एक 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 जैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो शरारत के लिए ही किया गया है। ओ गोरी, चकोरी, उछोरी, ये सारे जो मुहावरे हैं वो सब चिढ़ाने के लिए ही हैं। तो सिचुएशनल सॉन्ग्स में एलपी जोड़ी का कोई जवाब नहीं, ये सारांश था मेरे कहने का। और इस गीत को आपके आपको सुनाने के लिए मैं आलोक जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। बस आनंद बख्शी साहब का और किशोरदा का जिक्र करना चाहती हूँ। पिकनिक वाला गाना यार, जरा महंगा मर जाएगी गाने में, हाँ एंड तक एकदम, हाँ रेडी, ऊपर वालो रेडी सब लोग, चलो पिकनिक में चलते, हाँ
सी आई हुई है, पतली सी छाई हुई है, तू क्यों घबराई हुई है, मुझसे शर्माई हुई है, प्यार में है हो, 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 हो। प्यार में यार से आंखें चुरा के सता के चला के तू कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली देख 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 मुझसे न शर्मा एक 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 मरूं एक भौरा हो और तू कली ओ मन चली कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली Everybody is fantastic, absolutely. But Brijesh Shah guitar बजा रहे हैं, Nagesh Kuli जो saxophone बजा रहे हैं, उनका जिक्र किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती. खैर, and सदाबहार आलोक जी तो है ही. दोस्ती और प्यार का अमिट संदेश देने वाली फिल्म दोस्ती राजश्री प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी. और आप ये भी जानते हैं कि इस फिल्म ने लक्ष्मी प्यारी जोड़ी को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिला दिया. अब ये चारों ओर से दोस्ती की ही कहानी थी. अद्भुत यशस्विता का कारण लक्ष्मी प्यारे जोड़ी का संगीत था. रफ़ी साहब के दोस्ती का हर गाना हर गली कूचे में बज रहा था. वो ज़माना था. और कितने कितने लोगों ने उसमें दोस्ती निभाई थी. पंचम दा ने वहाँ अपना रिकॉर्डिंग संभाल कर हारमोनिका या माउथ ऑर्गन बजाया था. सभी गाने दोस्ती के पहाड़ी राग पहाड़ी के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कितनी विविधता है. खैर, सभी मेलोडियस गाने हैं, उसी में से एक गाना आपको सुनाने के लिए पधार रहे हैं सर्वेश जी. अब रफ़ी साहब तो इन सभी तर्जों पर इतने फिदा थे कि उन्होंने अपना शुक्राना यानी कि मानदेय लेने से भी इनकार किया था. बहुत सारी बातें हैं, मजरूर साहब के बोल हैं. आइए सुनते हैं 1964 की फिल्म दोस्ती का ये प्यारा सा गीत. तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है. मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है. के तू कहीं भी रहे तू मेरी तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है. कि तू कहे भी रहे तू मेरी निगाह में है. तेरी राह में है
के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। छुपा हुआ गीत नृत्य कला की महानता जताने वाला गीत फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली 1971 की फिल्म थी। ये भी शांताराम जी का सपना था और पहली बार स्टीरियोफोनिक साउंड में गाने रिकॉर्ड किए गए थे। अब इसका जो प्रिल्यूड म्यूजिक है वो ज़रूर गौर कीजिएगा, जिसमें वॉयलिन सिंथेसाइजर बोंगो कोंगो भारतीय बांसुरी इंग्लिश फ्लूट और कोरस की हमिंग का इतना सुंदर समन्वय है कि गीत को गीत जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो हमें तारों में सच के ही ले जाता है आगे। खैर, मुकेश जी का गाया, मजरू साहब का लिखा ये गीत आपको सुनाने के लिए मैं फिर से एक बार मुख्तार जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। सजके अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सजके अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने।
आग सी लपके जलती हुई राहें जी को दहलाए बेचैन तू बाकी राहें आग सी लपके जलती हुई राहें जी को दहलाए तू बाकी बाजू में ट्रम्पेट ट्रम्बोन और वहाँ अनुपम जी और उनके साथ के सारे हमारे कलाकार वो बोंगो कोंगो किस तरीके से बजा रहे थे। क्षमा कीजिए लेकिन मुझे आगे जाना पड़ेगा। लक्ष्मी प्यारे जोड़ी के युगल गीत एक अलग ही अध्याय है। उनमें संवाद एक बहुत अहम चीज़ है और इस संवाद का मूड चढ़ाव उतार देखकर उसके मुताबिक साजों का इस्तेमाल कैसा होता है। आइए किशोर कुमार जी और अनुराधा पौड़वाल का गाया ये जानी दुश्मन का युगल गीत आपको सुनाने आ रहे हैं आलोक जी और गुल। वर्मा मलिक के बोल है और ये फिल्म 1979 की है। हो हो तेरा नाम है या तेरी याद है या तेरा नाम है हर
ग्रैंजर, एक ही शब्द है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के संगीत के लिए, बस और उसका उदाहरण आपके सामने अभी प्रस्तुत होने जा रहा है। पहले कदम से देखिए, पिक्चराइजेशन का भी अनोखा तरीका है ये गीत। पहले कदम से इस फिल्म की नायिका भवताल से सुर, ताल, लय, रूप, रंग और नाद भी मांगती है, और इस तरीके से आखिरी स्वप्न भंग की जो उसका कदम है वहाँ तक उसके सारी भावनाएं, उसके सारे इमोशंस भवताल का एक हिस्सा बनते रहते हैं। और इसका कारण है मैंडोलिन, सितार, गिटार, फ्लूट, वॉयलिंस, डफ और घुंघरू तरंग के सुपर्ब कॉम्बिनेशंस जो एलपी जोड़ी ने बनाए हैं। कोरस के सुरीले फ्रेजेस इस गीत में आपको सुनने को मिलते हैं। लता जी की गायकी वो तो सर्वोपरि है, दो हाथों से अभिवादन। तीनों सप्तकों तक पहुँचने वाले जो वॉयलिंस के रंस हैं उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, जो इस गीत की अहमियत, इस तर्ज की अहमियत बढ़ाते हैं। आनंद बख्शी साहब के बोल है, लता मंगेशकर जी के साथ रफ़ी साहब की आवाज़ है। गीत तो आपने पहचाना होगा, वैसे मैं सर्वेश और शैलजा जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। 1979 की फिल्म थी सरगम, पर्वत के उस पार। Oh,
ना टूटे काल छूटे टूटे ये संसार दोस्तों, हम प्रोग्राम की गरिमा बरकरार रखेंगे शैलजा जी आप यहाँ मौजूद रहिए। 60-70 और ऐसी ग्रैंजर देखते हैं हम तो 60-70 और 80 के दशक पर पूरी तरह लक्ष्मी प्यारे जोड़ी का प्रभाव रहा, इसीलिए तो ये जोड़ी हिंदी फिल्म संगीत का एक सुनहरा अध्याय बन गई। खैर, साजों के इस्तेमाल में कमाल का ग्रैंजर है और कौन सा साज किस लिए कहाँ आना है उसका उनका जो आलेख है वो बिल्कुल तैयार रहता था और इसीलिए उनके ऑर्केस्ट्रेशन में वो भव्यता भी थी, ग्रैंजर भी था और सटीकपन भी था। रिदम के अमेरी और मेलेडी की मधुरिमा, आइए इन गुणों का कॉकटेल बनाने की आदत डालने वाली लक्ष्मी प्यारी जोड़ी, उनके लिए तालियों की एक जोरदार गूंज इसलिए चाहती हूँ कि बिजली की कड़कड़ाहट मूसलाधार बारिश में सजता एक एवर ग्रीन बरसाती नगमा आपको सुनाने के लिए शैलजा जी तो यहाँ मौजूद हैं। मैं तालियों की गूंज के साथ सिद्धार्थ क्रिएटर्स के सिद्धार्थ जी को बुलाती हूँ और 1970 की फिल्म हमजोली का लता जी और रफ़ी साहब का गाया ये दो गाना अभी आप उनसे सुने। हाय रे हाय, नींद नहीं आई, चैन नहीं आई, दिल में तू समाए आया, प्यार भरा मौसम दीवाना। मौसम दीवाना।
दीवाना Siddharth ji. Hello. Let me introduce our musicians now. Sandeep Maikar ji on tabla. Bhimrao ji on tabla and dholak. Shashi Bawlekar ji on dholak and congo. Samit Pednekar on congo and bongo. Vijay Yadav ji on octopad. Rahul Rupata ji on dholak. Sachin Patak ji on dholak. Umakan Parab ji on dholak. Deepak Barkar ji on percussions. Sashank Joshi ji on percussions. Sumit Sarfare on drums. Abhi tak ke hamare jitne bhi shows hue hain, aaj sabse zyada rhythmist hain. Aur mera ek ye sapna tha ki ek saath 5 dholak baje stage pe, to uska sound kaise aata hai. To iske liye humne aaj ये आयोजन किया हुआ है. लेट्स मूव टू द वायलिन सेक्शन. जितेंद्र ठाकुर जी ऑन सोलो वायलिन, प्रकाश वर्मा जी, चंदर मकवाना जी, चंदन सिंह जी, गॉडविन जी, प्रदीप ठाकुर जी, दिलशाद जी, सुशील वर्मा जी, संजय वर्मा जी, जितेंद्र जावड़ा जी, एरोल वंसरेड जी, मोहन गोयल जी, महेश जी, देवदत्त वर्मा जी, सूरज ठाकुर जी, धर्मेंद्र जी, जुगल किशोर जी. चिराग पांचाल जी ऑन कीबोर्ड, सागर टेमगर ऑन कीबोर्ड, लीड गिटारिस्ट ब्रिजेश शाह, सुरेश अय्यर जी ऑन बेस गिटार, बापू बिवलकर जी ऑन स्पैनिश गिटार, किशोर नरखेड़े जी ऑन स्पैनिश गिटार, ट्रम्बोन पे हैं संजय कल्याणी जी, राहुल नायक ऑन ट्रम्पेट, वाल्टर ऑन ट्रम्पेट, सैक्सोफोन क्लैरिनेट सोप्रानो नागेश कोली जी, सितार पे हैं प्रसाद गोनकर जी, मैंडोलिन पे हमारे साथ आज प्रदीप्तो सेनगुप्ता जी हैं. DDLJ के गाने में तो उन्होंने बजाया ही है, बट लेटेस्ट एक उनका हिट गाना है मेरे रश के कमर, उसमें भी उन्होंने वो मैंडोलिन बजाया है. सचिन जामेकर जी ऑन हारमोनियम, अभी उनका एक सोलो हम लोग यहाँ पे पेश करेंगे. एंड आवर म्यूजिक अरेंजर्स अनुपम घटक जी ऑन तुम्बा एंड मोहित शास्त्री जी ऑन फ्लूट. साउंड एंड लाइट टीटू कुलकर्णी जी, आप वहाँ बैठे हैं. और हमारी सूत्र संचालिका मंगला जी. हमारी बैकिंग वोकल्स में हैं सोनल नायक जी, निशिगंधा जी, वीणा जी, नितिन जी एंड राहुल जी. एक अभी सचिन जामबेकर जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा. आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु हैज़ अटेम्प्टेड टू यूज़ अ प्रोसेसर फॉर द हारमोनियम. हारमोनियम के ऊपर वैसे मींड नहीं आती. मींड का मतलब है एक सुर से दूसरे सुर के ऊपर ग्लाइड करना. ठीक है, लेट्स हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन, अ क्विक अ शॉर्ट. आई मीन मींड से थोड़ा सा ते तो सांग. लेट्स हियर इट फ्रॉम सचिन जी. क्या बात है. सो आई थिंक दिस इज
a unique feature of this processor that he's using with his harmonium. Another thing that I would like to mention is that he emulates the sound of an accordion from his harmonium. Let's hear it. Superb, superb. So it is something really special, and it is for the first time that we've got Sachin ji playing for us. So it's our privilege. Absolutely enchanting. हम हमारे sponsors का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. मैं मंच पर यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ. सबसे पहले तो शिकारा कंस्ट्रक्शंस के एमडी अशोक मेहरा जी को. अगर अशोक मेहरा जी नहीं हैं तो शिकारा कंस्ट्रक्शंस की ओर से देवेंद्र पांडे जी, आप कृपया मंच पर पधारें. और आज सिद्धार्थ एंटरटेनर्स की ओर से हम आपको एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान करना चाहते हैं. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम एंड वेरी डियर टू अवर हार्ट. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत रजनी, तो उसमें हम हमारे सारे स्पॉन्सर्स को यहाँ फेलिसिटेट करना चाहते हैं, हमारी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं. मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ बहुत आदर के साथ विवेक वसंत थत्ते जी, जो कि धनवृद्धि फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं. तो थत्ते साहब, आप कृपया मंच पर पधारें. सिद्धार्थ एंटरटेनर्स की ओर से आपका हम ये सम्मान करना चाहते हैं. हाँ जी, सच में धन की वृद्धि, वही तो मैं बार बार देख रही हूँ और वही शब्द पढ़ रही हूँ, धन वृद्धि. न्यू इंडिया एश्योरेंस के चीफ मैनेजर राजीव सिंघल साहब हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ. राजीव सिंघल साहब सिंग्स रेसिडेंसी के हरविंदर सिंह जीत सिंह मक्कर साहब, आइए. अरे हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से राजीव सिंघल साहब, हरविंदर सिंह. धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी. सिंह साहब आप आइए. सिंग्स रेसिडेंसी बहुत अच्छे स्नेही तो है ही, और हर प्रोग्राम में उनकी उपस्थिति हमारे लिए एक बहुत मायने रखती है. धन्यवाद. बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से अगर यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, तो हम उन्हें भी. बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम या जनरल मैनेजर यहाँ अगर उपस्थित हो तो हम बहुत सम्मान और आदरपूर्वक उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं. खैर, मैं अगला नाम पढ़ती हूँ. जेवियर सेवर के विनोद महाड़िक जी. जेवियर सेवर इज़ अ परफ्यूम कंपनी, और हमारे साथ हमेशा विनोद महाड़िक जी रहते हैं. शायद है, हाँ है. आइए, नमस्कार. और सबसे अहम, हम जया लक्ष्मीकांत जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं उनकी सुपुत्री राजेश्वरी जी के साथ. आइए, बहुत समय से यहाँ आपका इंतज़ार है. राजेश्वरी जी, जया जी, आइए ना. यहाँ
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. मेरी मॉम यहीं बैठी हुई है, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग हर ऑन बिहाफ ऑफ माई डैड, प्यारे अंकल एंड माई मॉम. थैंक यू सो मच. यहाँ इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं डैडी और प्यारे अंकल के बारे में कि मैं इतनी भावुक हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ. बस एक मुझे शिकायत है सिद्धार्थ जी से कि मुझे ऐसा लगता है कि एलपी का एक सीरीज ऑफ शोज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अराउंड 4000 टू 5000 गीत कंपोज किए हैं. अभी एक एलपी नाइट में हम हार्डली 30 या 40 गाने बजा पाते हैं, विच इज़ नॉट इवन 1% ऑफ देयर कॉम्पोजिशन. सो आई थिंक इफ वी हैव अ सीरीज ऑफ एलपी नाइट्स, वी विल समवेयर बी एबल टू एटलीस्ट reach 10% of their compositions. I feel. I know it's an impossible task, but this is something I feel from the bottom of my heart. Anyway, एक कुछ सुनाती हूँ जो मेरे डैडी गाते थे. एक गीत था जो बहुत लोकप्रिय गीत है, आई एम श्योर आप सब जानते होंगे उस गीत को. मेरे डैडी ने वो गीत ओरिजिनली बनाया था सरहद फिल्म के लिए, जो फिल्म बनी नहीं. तो वो ऐसा कुछ गाते थे उसको. सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां. फिर इवेंचुअली ये गीत जेपी दत्ता साहब ने लिया और फिर ये गीत बना. जिहाले मस्की मकुन बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है. सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां. कल एक छोटी सी बात आपको सुनाती हूँ क्विकली. मुझे अन्नू जी मिले थे, अन्नू मलिक, आई हैव टू शेयर दिस विथ यॉल. तो वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने एक दिन बख्शी साहब से पूछा कि अमर अकबर एंथनी का संगीत कैसे बना. बोले मैं इतना क्यूरियस था जानने के लिए कि अमर अकबर एंथनी का संगीत कैसे बना. तो बख्शी जी ने उनसे कहा कि कुछ नहीं, मेरे घर में डैड का म्यूजिकल ये था, वी हैड अ सीटिंग रूम एट होम वे डैड हैड मेड ऑल हिज कंपोजिशंस. सो ही सेड मैं बैठा था, मनमोहन देसाई जी बैठे थे, लक्ष्मी जी और प्यारे जी बैठे थे, एंड विद इन 30 मिनट्स लक्ष्मी जी ने 9 धुनें सुनाई और सारी की सारी 9 धुनें डन. इट वॉज सो अमेजिंग टू हियर दैट. सो आई थिंक डैड और प्यारे अंकल के बारे में जितना कहो उतना कम है. आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से. एंड वन बिग हैंड ऑफ अप्लॉज टू आर एंटायर टीम. आई थिंक दे वर द सोल ऑफ दिस शो. दे आर जस्ट amazing. Thank you so much. Thank you so much. Rajeshwari ji, pehle to hamare samman ka swikar kare. Aur is samman ke sath ek aur baat hum aap se share karna chahte hain. This is the fourth show of LP Jodi by Siddharth Entertainers. Yes. और हमेशा हमारा ये नज़रिया रहता है कि कुछ न कुछ अलग ढंग से इन गानों को पेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग गाने लेने की कोशिश करते हैं, और वही गाने जब लेते हैं तो उनको अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं. हाँ, तो ये हमारा हमेशा हमारी इतनी अच्छी ऑडियंस है जो हमारे सारे गानों को इतना पसंद करती है और प्रैक्टिकली हर गीत पर एक वंस मोर है. आई नो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. आप आते रहिएगा, हम गिनते जाएंगे शोज. और अब जैसा कि सिद्धार्थ जी ने आपसे कहा कि पर्दा है पर्दा, अमर अकबर एंथनी की कव्वाली हम सुना रहे हैं, लेकिन हम नहीं, तो सचिन जांभेकर जी उनके इस मैजिकल हारमोनियम के साथ इस कव्वाली का आप आनंद उठाइएगा. Thank you.
सचिन जी आगे आइए आप. इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल. जैसे वो रफ़ी साहब का शेर तो जैसे आपके हारमोनियम ने गाया, और उसके साथ प्रदीप तो सेनगुप्ता जी आपके वो महीन मैंडोलिन के पीसेस, माय गुडनेस, एंड दैट द क्लैरिनेट एंड रिदम सेक्शन, बोलना मुश्किल ही है. एब्सोल्युटली सचिन जी वंडरफुल, थैंक यू सो मच. और बस बैक टू बैक 1977 की ओर चलते हैं. धर्मवीर का वो दो गाना लता मंगेशकर और किशोर दा का गाया, आपके सामने आलोक और शैलजा जी. Thank you.
दोस्त थी, प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्त थी, तेरी मेरी दोस्त थी, प्यार में बदल गई दूसरा गाना आप सभी पसंद करते हैं, आर के नैयर निर्देशित फिल्म इंतकाम का गाना। ये फिल्म एक से बढ़कर एक गीतों के लिए और एक से बढ़कर एक तर्जों के लिए जानी जाती है। 1960 की फिल्मिंग स्टाइल जो पर्सनली मुझे बहुत डाउन द मेमोरी लेन ले जाती है, संजय खान की जीप एक पूल पर खड़ी, फिर दूर पानी में किसी नाव की चहल पहल दिखाई देती है, अ वूमन इन वाइट, और वहाँ से आती है किसी की पुकार जो जन्म जन्म का रिश्ता बना रही है। आइए, ये सब संगीत के माध्यम से कैसे जताया जा सकता है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये गीत, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा। वैसे कैसे रहूं चुप और आ जाने जा जैसे बिल्कुल अद्वितीय गीत इस फिल्म में है, लेकिन इस गीत की एक अपनी जगह है। आइए, मैं शैलजा जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ इस गीत को आपके सामने पेश करने के लिए। Oh.
प्रदीप तो जी, ये एंड में बजने वाली जो मैंडोलिन है, क्या समा पैदा निर्माण करती है, बिल्कुल वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता जो हमने कहा वैसे ही हो जाता है सर। तो जैसा कि हमने कहा था कि कौन सा साज किस लिए कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसका उनका जो अंदाज़ था वो इतना बेहतरीन था, ऐसे साज इस तरीके से बजते हैं तो वो सारी बातें अधूरी खिंची हो जाती हैं। खैर, हमारे दो शोज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। पहला तो सिद्धार्थ एंटरटेनर्स का शो है, और जैसा कि आपने पर्दे पर देखा वो 6 मार्च को है। समय तो हमारा 7:30 बजे रहेगा, इसी सभागृह में ये शो आपके सामने प्रस्तुत होगा। और इस शो के संगीत संयोजक रहेंगे मोहित शास्त्री तथा अनुपम घटक, और शैलजा जी, आलोक जी, गुल और सर्वेश जी उसमें रहेंगे। और विषय हम सबके दिल के बहुत करीब, हिट्स ऑफ SD बर्मन यानी कि बड़े बर्मन दादा के सभी मधुरतम गाने। हम कहते हैं कि माधुर्य घराने के संगीतकार, तो उनकी मधुरता से सजी सभी तर्जों का आनंद उठाएंगे, सभी बेहतरीन तर्जों का आनंद उठाएंगे इस प्रोग्राम में। खैर, और एक प्रोग्राम के बारे में आपसे कहना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम 22 फरवरी को होगा, और एक अलग ढंग का प्रोग्राम है, यहाँ नहीं बल्कि यशवंत नाट्य मंदिर में होगा। समय अगर गलती होगी तो किशोर जी आप यहाँ बैठे हैं तो मुझे बताइए, 8:30 बजे का शो है, और बताइए आप, मैं दोबारा अनाउंसमेंट करूँगी। इस शो का शीर्षक है ईस्ट मीट्स वेस्ट, यशवंत नाट्य मंदिर में रहेगा। पूरब और पश्चिम इसकी संकल्पना है, इसका मतलब है भारतीय शास्त्रीय तथा उपशास्त्रीय संगीत पर आधारित तर्जें, और साथ ही साथ हमारे संगीत पर जो विदेशी संगीत का प्रभाव है उसके बारे में भी, और वो उस तरीके के गीत भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। फिर से इसके संगीत संयोजक रहेंगे अनुपम घटक जी, शैलजा, आलोक, गौरव बांगिया और गुल सक्सेना इस प्रोग्राम में शरीक होंगी। और अगर इस प्रोग्राम के टिकटों के बारे में, समय के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ एक नंबर नोट कर लीजिए, 9372807513। आई रिपीट, 9372807513। हमारा जो 6 मार्च का प्रोग्राम रहेगा उसमें 35 काबिल साजिंदों का यहाँ कारवा लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके का आनंद के सामने जा रहे हैं, सम्मुख जा रहे हैं। खैर, अभी 1981 की फिल्म क्रांति का संतोष आनंद जी का लिखा, नितिन मुकेश तथा लता जी का गाया गीत आपके सामने पेश करने, फिर से एक बार शैलजा जी के साथ मुख्तार जी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, एक शॉट में फिल्माया गया गाना है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, हो
जिस प्रोग्राम की उद्घोषणा की गई 22 फरवरी के, उसका समय है शाम 7 बजे, यशवंत नाट्य मंदिर। खैर, सवाल करती कई आंखें मंतजर है यहाँ, सवाल करती कई आंखें मंतजर हैं यहाँ, जवाब आज भी हम सोच कर नहीं आए। जिंदगी के कश्मकश का इतने सरल, सीधे और आसान शब्दों में वर्णन करना बिल्कुल आनंद बख्शी साहब की ही बात है, और किसी के लिए वो आसानी नहीं है। एक बार वो दार्शनिक बन जाते हैं और दूसरी बार एक आम आदमी जैसे अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। मिसाले तौर पर ये गीत। अब सिनेमा की पल्स जानने वाले 3 लोग जो एक दूसरे के काफ़ी गहरे दोस्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बतौर संगीतकार और आनंद बख्शी बतौर गीतकार, सिनेमा की पल्स इतनी जानते थे कि पहले ऑडियंस से कनेक्ट होना और फिर अंतरे में वो सब बोल डालना जो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आनंद बख्शी शब्दों के जरिए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सुरों के जरिए। आइए, आलोक जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ 1974 की फिल्म मजबूर का ये बहुत प्यारा सा गीत आपको सुनाने के लिए।
कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूँ। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। वफाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। एब्सोल्यूटली वंडरफुल। देखिए, उन 50 साल की सुपर डुपर हिट फिल्म के एक अनोखे अंदाज के गीत की ओर हम लिए जा रहे हैं आपको। अब जब हाथी मेरे साथी फिल्म के गाने बन रहे थे तो निर्माता चिनप्पा देवर जी, आपको याद होगा, और लक्ष्मी जी इतने घुल मिल गए थे कि संगीत के बारे में उनके चर्चे होते रहते थे। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी दोनों जान गए थे कि चिनप्पा देवर जी रिदम और मेलोडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो जब इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बन गया तो उन्हें वो बहुत पसंद आया था। आगे बाकी गाने रिकॉर्ड होने लगे तो नफरत की दुनिया को छोड़ के ये गाने की बारी आ गई, रफ़ी साहब से ये गाना गवाया। अब पहले तो किशोरदास से ये गाना गवाना चाहते थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन रफ़ी साहब ने इस गाने को शत प्रतिशत इंसाफ दिला दिया। अब प्यारेलाल जी के मन में एक साशंकता थी कि दुख भरा गाना है तो लोग उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे।
तो ये गाना रखना चाहिए कि नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी और चिनप्पा देवर जी बिल्कुल इस मायने में श्योर थे और वो चाहते थे कि ये गाना वही उसी जगह रखा जाए, और वही हुआ। जब ये गाना पर्दे पर बजने लगा तो लोग बाग बिल्कुल आंसू भरे नैनों से वो फिल्म देखने लगे, उनके आंखों में आंसू आ रहे थे और इतना अप्लॉज मिला उस गीत के लिए। तो आइए इन सारी यादों के साथ मैं सर्वेश जी को यहाँ बुलाती हूँ 1971 की ये फिल्म और इस फिल्म का वो गीत आपको सुनाने के लिए, नफरत की दुनिया को छोड़ के। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार खुश रहे कोई इंसान को मारे। जब जानवर कोई इंसान को मारे कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है सुन ले ये मेल है अपना। बस आखिर सुन ले ये मेल है अपना। बस खत्म साथी ये खेल है अपना। अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के जीवन के दिन चार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार खुश रहना मेरे यार खुश रहना मेरे यार। आइए 1964 की फिल्म संत ज्ञानेश्वर का भरत व्यासी का लिखा हम सबका पसंदीदा गीत आपको सुनाने जा रहे हैं मुकेश जी का गाया। वैसे आपने पहचाना होगा 60 के दशक में एक गीत हर गली हर कूचे बजता रहा। स्कूली जीवन में कईयों के जीवन में
इस गीत ने आशा के और उदात्त विचारों की ज्योति बिल्कुल जगाई है। वैसे एक साक्षात्कार में प्यारे लाल जी ने बताया था कि संत ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि जो आलंदी में है, उसका दर्शन करने वो आलंदी गए थे और तब आम लोगों के लिए, भक्तों के लिए प्रसाद बनाने वाली जो महिलाएं वहाँ प्रसाद बना रही थी, तो बनाते बनाते कुछ गा रही थी, वो भैरवी के सुर थे और वही सब सुनते सुनते इस तर्स का जन्म हुआ है। अब भरत व्यास जी ने अनमोल हिंदी साहित्य का यहाँ जैसे इस्तेमाल किया है और संत ज्ञानेश्वर जी का जो पसायदान है बस उसी का प्रतिबिंब है बहुत सरल भाषा में इस गीत में। मैं मुकेश जी को यहाँ आमंत्रित, मुकेश जी इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू यू, क्योंकि हमारे दिमाग में मुकेश जी रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि मुकेश जी का गाया ये गीत आपको सुनाने के लिए मुक्ता जी को मैं ये आमंत्रित करती हूँ। इसके थोड़े जिम्मेदार आप भी हैं, हर गीत को आप वंस मोर देते हैं, हमें अच्छा तो लगता है ज़रूर, लेकिन कितना प्रेशर डालते हैं आप कंपेयर पर, खैर वो मैं झेल सकती हूँ।
जया जी पारसमणि की ओर जा रहे हैं वो गाना, लेकिन इस बार मैंडोलिन पर सुनेंगे। प्रदीप तो सेनगुप्ता जी यहाँ है, लेकिन जबकि स्ट्रिंग्स की बात हो रही है तो मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि अकॉर्डियन मैंडोलिन जैसे साजों की ऐसी जुगलबंदी लगती है, बांसुरी और वायलिन की एनर्जेटिक संगत इसमें बिल्कुल सुनाई देती है कानों को, और गाने का एम टू तो इतना सुंदर है कि बयां नहीं कर सकते। ढोलक का जो ठेका है वो वेस्टर्न ढंग से बजता है इसमें, और ऐसे लगता है कि ये नए संगीतकार जोड़ी बिल्कुल इट वॉज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट, लंबी पारी खेलने वाले संगीतकार जोड़ी ने जन्म ही लिया था, क्योंकि ऐसी तैयारी करके आए थे। नृत्य की जो जलद लय है वो इस गीत में है, लेकिन इसमें लता जी की वो पंक्ति आपको याद आती होगी कि सब कुछ गंवा रहा है थोड़ा सा प्यार कर, इसमें लता मंगेशकर जी बिल्कुल अपनी आवाज़ के साथ हमारे दिल में आकर बस जाती है। नो वंडर गाना नया था, संगीतकार नए थे, पर ये बिना का गीत माला के मैं गेट क्रैश करता चला गया, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। प्रदीप तो सेनगुप्ता के लिए तालियों की एक जोरदार गूंज। Thank you.
बस इसी के तुरंत बाद इसी माहौल में असल में मैं रहना चाहती हूँ। इतना सुंदर जादुई सा माहौल बन गया। 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया का जावेद अख्तर साहब का लिखा आउट एंड आउट अंताक्षरी की जान वो गाना आपको सुनाने के लिए आलोक जी और शैलजा जी यहाँ तैयार है। किशोरदा और अलीशा चिनाई जी का गाया ये गीत आप सभी जानते हैं। Thank you.
शैलजा जी आप बने रहिए, इट्स एब्सोल्युटली एंचेंटिंग. समय की धारा में उम्र बह जाती है और भुलाया न बने यादों का एक मजमुआ हमारे साथ रहता है. बस यही कहने वाला एक बहुत ही वी कैन से मिलेनियम सॉन्ग. राग ललित या ललित पर आधारित. संतोष आनंद जी के बोल है, लक्ष्मी प्यारे जी का सुगम और आकर्षक संगीत. अब दो अंतरे ऐसे लय में चलते रहते हैं और तीसरे अंतरे में बरसता सावन हो ये पंक्ति जहां आ जाती है वहां संवाद शुरू हो जाता है. लता जी और मुकेश जी कभी ओवरलैपिंग, कभी एक दूसरे के साथ, कभी एक दूसरे के आगे पीछे गाते हैं और मुकेश जी की पंक्तियों को कभी लता जी दोहराती है और एक समासा बन जाता है. आइए उसका आनंद लेते हैं. मुख्तार शाह जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ शैलजा जी के साथ ये गीत आपको सुनाने के लिए. मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी तेरी मैं मांग संवारूं तू दुल्हन बन जा.
बन कर झूमे चलो राहे मोड़े कहीं पे चुप जाना है नजर नहीं आना है कहीं पे बस जाएंगे कि दिल कट जाएंगे अरे क्या बात चली वो देखो रात ढली ये बातें चलती रहे आप एकदम गुमसुम सी हो गई तो उसने सब कुछ बता दिया हमें हम भी वहाँ बैठ के उसी भावना का आदर भी कर रहे हैं और उसी भावना से गुजर भी रहे हैं खैर अगला गाना जो है उसकी ओर देख रही थी मुझे कुछ और याद आ रहा था कि घना अंधेरा है और राह पर दो राहगीर चल रहे हैं और एक राही दूसरे राही से पूछता है कि रहनुमा रात कितनी बाकी है तो दूसरा राहगीर उसे जवाब देता है दोस्त रात से रास्ता दराज है तो रात खत्म हो सकती है हमारी यात्रा खत्म हो सकती है लेकिन जो रास्ता है वो कभी ख़त्म नहीं होता बस इसी दार्शनिकता को जताने वाला एक गीत अभी आप सुनेंगे 1977 की फिल्म है अपनापन वैसे सुलक्षणा पंडित और जितेंद्र जी इसके नायक और नायिका रहे लेकिन ये प्रस्तुत जो गीत है वो उन पर फिल्माया नहीं गया है वो दिखाई देते हैं ज़रूर लेकिन सुधीर दलवी और निवेदिता जी पर यह गीत फिल्माया गया है बहुत बहुत बेहतरीन गीत है बस में गाया गया गीत है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हम आभारी होने चाहिए क्योंकि ऐसे दार्शनिकता वाले जो गीत हैं वह ऐसे माहौल में हमारे सम्मुख आ जाते हैं आइए मैं सर्वेश जी और गुल दोनों को यहाँ आमंत्रित करती हूँ आनंद बख्शी साहब का लिखा ये गीत आपको सुनाने के लिए रफ़ी साहब और लता जी का गाया मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता झोंका हवा का
सांस कितने अलग अलग ढंग से बजता है. अब मैंडोलिन बज रही थी लेकिन बाउल गीत की जो एक भक्तिमय भावना है उसका एक फील आ रहा था. तो सांस वही है लेकिन उसको कितने अलग अलग अंदाज से एक संगीतकार इस्तेमाल करता है. अगला गीत 1980 की फिल्म जुदाई का, फिर से एक बार आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोरदा और आशा जी का गाया. ये तो वैसे स्वप्न गीत है, रेखा जी पर फिल्माया गया. मार गई मुझे तेरी जुदाई. और आलोक जी और शैलजा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ. Thank you.
खरंच तुमचं नाही म्हणणं मला खरंच शक्य नाही. काय करू, आता सिद्धार्थ पाहिजे इकडे, नको ना. शेवटची दोन म्हणजे गाणी मला घ्यायची आहेत, नंतर बघूया किती घेता येतात ती, पण ती घेते. हां चालेल ना, रागवू नका. हां हे सगळे लोक रागवतात खूप थोडे. देखिए दो गाणे एक के बाद एक. हां एक गाणं जो आर के स्टुडिओ में फिल्माया गया और 1981 की फिल्म थी, आनंद बख्शी साहब के बोल थे. खुद राज कपूर जी भी इस शूटिंग में शामिल थे और मनमोहन देसाई जी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ को न्योता दिया था. दो समान सेट्स बनाए गए थे, एक पर अमिताभ जी रियाज करते प्रैक्टिस करते और एक पर सेलिब्रिटीज़ का शूटिंग हो जाता. शायद आपने रफ़ी साहब का गाया वो गाना याद किया होगा, जॉन जानी जनार्दन. सर्वेश जी पहले वो गाना आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद में किशोर दा और आशा जी का गाया वो पुनर्जन्म और प्रतिशोध की कहानी वाला, यानी कि फिल्म कर्ज का वो गाना जो आप ज़रूर सुनना चाहेंगे, जिसमें वॉयलिंस के स्टॉर्मी रन होंगे, अग्रेसिव कोरस होगा, अनफॉरगेटेबल धुन तो रहेगी और गिटार का उपयोजन होगा. ये सब कहते कहते मैं इतना ही कहूँगी कि दो गाने एक के बाद एक तो आपके सामने पेश होंगे. ये अंतिम गाने नहीं हैं, प्लीज़ 6 मार्च की याद रखिएगा और ज़रूर आइएगा उस प्रोग्राम को भी. प्यारे लाल जी, अगर आज आप दोनों के साथ अगर इस महफिल में उपस्थित होते तो ज़रूर ये प्रोग्राम सुनकर कहते कि अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर एक गुल सजाया. जब जब हमारे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, जब जब हमारे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, लक्ष्मी तुम मुझे बहुत याद आए. John Jani Janardan Tararam Pam 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 John Jani Janardan Tararam Pam 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 Sahib ne bulwaya Hazir ho main aaya Hu yaaro ka mayar Dushmano ka dushman Bethana dhan John Jani Janardan दुश्मनों का दुश्मन बेधना धन जान जानी जनार्दन कर रम पम 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 जान जानी जनार्दन कर रम पम 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 पम. जो फरमाया जो
जनार्दन जान जानी जनार्दन तर रम पम 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 हे जान जानी जनार्दन तर रम पम 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 अंग्रेजी हो या देसी फिल्में सभी मैंने देखी अंग्रेजी हो या देसी फिल्में सभी मैंने देखी हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं किस्मत में घुमाया होटल में पहुंचाया हूँ यारों का मैं यार दुश्मनों का दुश्मन दे धना धन जान जानी जनार्दन कर रम पम 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 जान जानी जनार्दन कर रम पम 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 लैला मजनू शीरी और फरहाद इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद 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 मुझको आया है ऐसे दिलबर का नाम जिसने धोखा देके नामेश किया बदनाम यही है साहिबान कहानी प्यार की किसी ने जान दी किसी ने जान दी एक हसीना थी एक दीवाना था क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था एक हसीना थी एक दीवाना था क्या उम्र क्या जमाना था एक दिन वो मिले रोज मिलने लगी एक दिन वो मिले रोज मिलने लगी फिर मोहब्बत हुई बस कयामत हुई
कहानियां अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो त